मोहतरम सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तकबाल है आपका निदा मीडिया यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, इस वक्त की सबसे बड़ी अहम खबर निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शेख अजीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद जहां मौजूद है, उसी देवबंद शहर से बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देवबंद से अपना कैंडिडेट उतार सकती है, देवबंद से अपना उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि देवबंद एक ऐसी सीट है जहां पर बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश जैसे कि विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी से जुटी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देवबंद में बड़ा दांव चलते हुए मदनी परिवार के सदस्य को टिकट दिया है। नाजरीन, जैसे समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यह मदनी परिवार से कौन है आइए जानते हैं। क्योंकि अभी अभी यह लिस्ट जारी हुई है, आपको बता दें कि 6 उम्मीदवारों की जो सूची है उसमें मौलाना उमेर मदनी को देवबंद विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाकर बड़ा गेम खेला है। बड़ा गेम क्या खेलना था, ये तो एक दिन होना ही था कि किसी को प्रत्याशी बनाना ही था। लेकिन आपको बता दें कि मौलाना उमेर मदनी जमीयत उलमा हिंद के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद मौलाना सैयद असद मदनी के पुत्र और उत्तराखंड राज्य के पूर्व राज्य मंत्री रहे मौलाना मसूद मदनी के बेटे हैं। उमेर मदनी पूर्व सांसद और जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के सगे भतीजे हैं। असदुद्दीन वैसी के द्वारा देवबंद विधानसभा सीट पर दिए गए इस टिकट से समाजवादी का खेल बिगड़ सकता है। नाजरीन, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि मौलाना उमेर मदनी को यानी मदनी खानदान को टिकट दिया है बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी की पार्टी, यानी मौलाना महमूद मदनी के भतीजे को टिकट दिया है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो नाजरीन, इस खबर को किस निगाह से देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि मौलाना मदनी को टिकट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिया है। अब देखना यही है कि फैसला अवाम क्या लेती है, 10 मार्च को मालूम होगा। लेकिन हमारी तरफ से मौलाना उमेर मदनी की जीत जो है वो 100% है कि मौलाना उमेर मदनी को इंशाल्लाह उलमा की दुआ से जीत मिलेगी। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि देवबंद की सरजमीन से मौलाना उमेर मदनी को टिकट दिया गया है। शुक्रिया।